Assalamu alaikum dear friends, hope so you all will be fine. I'm also fine. Once again I'm here for you with a new video with a new topic, and today I'm going to discuss the some new topic, and that is the very important and very sensitive topic regarding to mental health and about your mind. So mujhe umeed hai ye topic bhi aapke liye bahut helpful jo hai wo prove hoga. So let's apna jo topic hai wo start karte hain. Hamara jo aaj ka topic hai wo hai what are neurodegenerative diseases, के जो neurodegenerative diseases हैं वो क्या होती हैं और किस तरह से ये इफ़ेक्ट करती हैं. अच्छा ये जो टॉपिक है हमारा इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ही दफ़ा में नहीं करेंगे. आज तो मैं आपको neurodegenerative disease का इंट्रोडक्शन दूँगी, उसके बाद इसकी सारी जो डिटेल है वो सारे पार्ट्स में इसकी टाइप्स के साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आपको इसका फुल जो है वो फ़ायदा और पता चले कि आपको सारे लेक्चर्स में इसके जो ऑल पार्ट्स हैं वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएं. सो ये न्यूरोडिजेनरेटिव होती क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ क्या होती हैं. बेसिकली ये ब्रेन की डिजीज़ होती हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं. जो हमारा ब्रेन होता है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है और डिफरेंट किस्म के न्यूरॉन से मिलके बना होता है, और जब न्यूरॉन की ब्रेन के अंदर डेथ होती है तो उसको हम कहते हैं न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़, क्योंकि न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि 24 आवर आपके जो कम्युनिकेशन है और डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके नर्वस सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक्स पार्ट होते हैं, एक मेजर पार्ट होते हैं. सो अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की और ब्रेन की, तो बेसिकली न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ का मीनिंग ये बनता है, न्यूरो मीन माइंड एंड डिजेनरेटिव के किसी चीज़ के ब्रेक डाउन हो जाना. सब जब नर्व सेल्स की डेथ होती है या वो डाई हो जाते हैं ब्रेन के अंदर, आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, तो बेसिकली उन तमाम डिजीज़ को हम न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं. तो अब जब न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं तो हम ये डिफरेंट टाइप्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं. कुछ माइनर होती हैं, कुछ मेजर होते हैं, कुछ इनक्योरेबल होती हैं, कुछ क्योरेबल होती हैं, और ये जो होती हैं वो प्रोग्रेसिव होती हैं ओवर द टाइम एंड वर्स ओवर द टाइम. वक्त के साथ ये वर्स होती जाती हैं और वक्त के साथ ही ये डे बाई डे इनक्रीज होती जाती हैं. कुछ डिजीज़ ये ऐसी होती हैं कि इनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, मेंटेन कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, बट बाकायदा तौर पे इनको मुकम्मल तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते. ये इनक्योरेबल होती हैं, हाँ आप इनको मैनेज कर सकते हैं, और कुछ जो हैं वो क्योरेबल होती हैं. इन सारी जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ हैं इनको जो है वो वन बाय वन जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगी और आपको बताऊँगी कि कौन सी डिजीज़ की क्या सिम्टम्स होती हैं, कौन सी डिजीज़ कैसी होती है. तो बेसिकली मैं आपको इनकी जो टाइप्स हैं वो थोड़ा सा इनको ब्रीफ कर देती हूँ. इनकी टाइप्स के अंदर बेसिकली पार्किंसन डिजीज़ आ जाती है, अल्जाइमर डिजीज़ आ जाती है, उसके बाद हंगटिंगटन डिजीज़ आ जाती है, और डिमेंशिया आ जाता है, और भी कुछ इसकी टाइप्स हैं तो वो भी इसके अंदर ही आती हैं. और इनकी जो वजूहात हैं वो भी डिफरेंट किस्म की होती हैं, कुछ जेनेटिक्स होती हैं, कुछ जो है वो डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स इफेक्ट होने की वजह से होती हैं, तो इनकी काजेज भी डिफरेंट होती हैं. तो ये सारी जो डिजीज़ हैं बेसिकली ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ में ही आती हैं. तो मोस्टली जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ हैं वो मतलब विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम हमें क्लैरिफाई होती हैं. और ऐसे लोग जो अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या इस तरह के ड्रग्स लेते हैं, तो उनके अंदर ये जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ हैं इनके जो असरात हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं कि उन लोगों को न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं. तो इंशाल्लाह ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ का थोड़ा सा माइनर सा इंट्रोडक्शन था, और इंशाल्लाह इसको हम ये जो जितनी भी इसकी टाइप्स हैं, इसकी सिम्टम्स हैं, इसकी काजेज हैं, ये क्यों होती हैं, इनको मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जो कि आपको आप लोगों के लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होगी, और आप लोगों को इन सारे जो लेक्चर्स हैं उनकी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी, आप इनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे. इनकी सारी टाइप्स ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बल्कि
ब्रेन की जो सारे डिसऑर्डर्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वेल अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह लेक्चर में मैं इनको स्टार्ट करूँगी और आपको अवेयर करूँगी। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, नॉलेज बढ़ना सीखते जा रही है। अगर कोई न्यू है जिसने हमारा चैनल अभी भी ज्वाइन किया तो काइंडली वो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हर आने वाली न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।